जंगल के तमाम जानवरों की तरह लियोपर्ड भी इसका एक हिस्सा है। वर्थॉग, बेबी हिप्पो, विल्ड बीस्ट का बच्चा, इम्पाला और साथ ही साथ ही अपने शिकार को पेड़ पर चढ़ाकर भी उसकी दावत करते हैं। पर आज इन्हीं पर अटैक होगा और जो अटैक आप देखने जा रहे हैं वो एक अलग ही लेवल का होगा। तो वीडियो से चिपक कर बैठिए और मुझे शुरू करने दीजिए। आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जंगली जानवरों में कैट फैमिली से बिलोंग करने वाले जानवरों में से लियोपर्ड नंबर वन पर है, जिसमें लियोपर्ड और स्नो लियोपर्ड दोनों आते हैं, जिनके पंजे शिकार में इनकी काफी मदद करते हैं और साथ ही साथ इनकी स्पीड भी इस काम में काफी मददगार साबित होती है। पर आज हम इनके अटैक्स की शुरुआत इन बबून्स और इन्हीं से शुरू करेंगे, जिसमें कि आप इन बबून्स को लियोपर्ड से भिड़ते देखे उससे पहले एक लड़ाई लियोपर्ड वर्सेस लियोपर्ड की देख लीजिए, क्योंकि लियोपर्ड कई मामले में चीता से काफी आगे रहता है, जिसका प्रमाण इसने इस लड़ाई में चीता को मौत देकर दिया था, जिसे देखकर यही सवाल उठता है कि वो मंजर कैसा होगा जब ये दोनों आपस में ही भिड़ेंगे, और तब तो और जब सवाल इनके बच्चों की जान पर हो। कुछ ऐसा ही यहाँ भी होने जा रहा है, क्योंकि ये मदर लियोपर्ड इस पेड़ के पास आकर इस पेड़ पर चढ़कर अपने इलाके का जायजा लेना चाहती है, जहाँ ऊपर चढ़ते ही इसे एक मेल लियोपर्ड का पता चल जाता है जो कि एक पैर से घायल था और इसके ही टेरिटरी में एंट्री कर रहा था। अब होना क्या था, इसे देखते ही मदर लियोपर्ड फौरन ही नीचे आ जाती है, जिसके आने की आहट इसे भी मिलती है पर ये आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद ये मदर लियोपर्ड झटपट दौड़ते हुए इस पर अटैक कर देती है। अब इधर इनके बीच भयंकर लड़ाई हो ही रही थी कि तभी यहाँ एक और मेल लियोपर्ड पहुँच आता है, जिसके बाद इस मदर लियोपर्ड के जाने के बाद अब लड़ाई इन दोनों मेल लियोपर्ड में होती है। और मुझे पता है कि आप यहाँ इस तेंदुए को इसलिए ही विनर बताएंगे क्योंकि ये बेचारा पैर से घायल था, तो फिर तो बबून्स के मामले में तो इन्हें बबून्स पर भारी ही पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो झुंड में होने के बावजूद भी शिकार नजर आते ही किसी का इंतजार नहीं करते और अकेले ही शिकार पर निकलते हैं, जिसमें कि अपनी चालाकी और बुद्धिमता के दम पर ये अकेले ही कामयाब होने की ताकत रखते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए तेंदुआ पेड़ पर था और नीचे मौजूद बाकी जानवरों पर नजरें गड़ाए हुए था। पर इस इलाके में पानी द्वारा बनाई ये कटान ही आज इस तेंदुए के लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला था, क्योंकि तेंदुआ अब नीचे आ चुका था और बिना कोई हरकत के इस इलाके में मौजूद सभी जानवरों में से किसी एक को टारगेट बना रहा था, जिसके बाद अब ये शिकार पर निकलता है और हमेशा की ही तरह इसी रास्ते से छिपकर ही इनके करीब जाता है, जहां इस इलाके में पहुंचने पर इम्पाला और ये पुकू इससे महज 5 मीटर की ही दूरी पर थे, जिसे इसकी खबर न लग जाए इसलिए ये बैठ जाता है और इसके पास आने का इंतजार करता ही है कि तभी एक बबून इसे देख लेता है और इस पुकू को अलर्ट कर देता है, जिसके बाद भी ये शांत नहीं होता और लड़ाई के लिए अपने साथियों को इकट्ठा करने लगता है, जिसके बुलाने पर जब सब एकजुट हो जाते हैं तो ये सभी अब इसके पीछे ही निकल पड़ते हैं और यहीं से कहानी एक नई मोड़ लेती है, क्योंकि बबून जो कि लियोपर्ड का हमेशा ही निवाला बन जाते थे आज वही सब इसे चुनौती देने निकल पड़े थे, जहां आगे जाने पर ये सभी लियोपर्ड को दौड़ाते हुए उस पर हमला करते हैं और इसे चारों ओर से घेर लेते हैं, जिस वजह से तेंदुआ यहां तो डर कर बैठ जाता है, पर इस क्लिप में तो दो तेंदुओं के लड़ते वक्त बबून इन पर एकाएक हमला ही कर देते हैं, लेकिन सच बताऊं तो इस क्लिप में तेंदुए की तो गजब ही बेइज्जती होती है, क्योंकि ये इलाका शेरों का था और यहाँ इनके रहते कोई नहीं आ सकता था, पर एक तेंदुआ गलती से इनके इलाके में चला आया था और आते ही ये इस पेड़ से उतरकर एक शिकार भी कर लेता है, पर यहाँ भी बबून इसके लिए दुश्मन बन जाते हैं और जब ये अपने शिकार को खा रहा होता है तो बबून तो शोर मचाता ही है, लेकिन एक और तेंदुआ भी यहाँ चला आता है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। पर बबून्स के आवाज लगाने की वजह से शेर यहाँ पहुँच जाता है और जब ये ऊपर चढ़कर तेंदुए को खोजता है तो तेंदुआ फौरन ही यहाँ से निकल लेता है और कई शेर मिलकर इसके शिकार को अपना बना लेते हैं। इसी तरह का एक नजारा यहाँ भी देखिए, जहाँ कई शेर एक तेंदुआ को घेरे ही थे कि तभी यहाँ एक और पहुँचता है और आते ही ये तेंदुए पर हमला कर देता है, जिस पर बाकी सब भी हमला करते हैं, लेकिन ये अकेला ही इन सभी पर भारी पड़ता है और थोड़ी देर रुकने के बाद एक बार फिर जबरदस्त हमला करता है, जहाँ की तेंदुआ पक्का मर ही गया होगा, लेकिन अगर नहीं मरा तो इस क्लिप में तो इसका मरना तय ही है, क्योंकि यहाँ तेंदुआ अकेला है और शेर संख्या में 12 है। जरा देखिए कि किस तरह से ये सभी शेर इस अकेले तेंदुआ पर हमला किए जा रहे हैं, जिसमें कोई इस पर आगे से हमला कर रहा है तो कोई इसे घसीटकर अपनी ओर खींच रहा है। इसी बीच एक पल के लिए हमला रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल में एक शेर इसे दबोचते हुए इसकी सांसें रोक देता है। तेंदुए की शामत तो यहाँ भी आती है, जहाँ ये इस शेर से बेखबर होकर यहाँ सोने लगता है, पर शेर तो इसे देख चुका था
और वो धीरे धीरे इसके पास पहुंचता है और अचानक से जब हमला करता है तो तेंदुआ जग जाता है और फौरन ही भागता है, वरना आज तो इसका मरना तय ही था। तेंदुए को हाइना से हारता हुआ देखना हो तो ये क्लिप सबसे बेहतर रहेगी, जिसमें हाइना तेंदुए से उसका निवाला छीन लेता है और तेंदुए को यहाँ से खदेड़ कर भगाता है। हनी बैजर सबसे हिम्मती जानवर होता है, लेकिन इस तेंदुए ने इसे हल्के में ले लिया था, जिसके बाद इसके बच्चे पर अटैक करने का खामियाजा इस तेंदुए को इस छोटे से हनी बैजर के आगे भागते हुए चुकाना पड़ा। लियोपर्ड इतना जिद्दी जानवर होता है कि ये तब तक नहीं मानता जब तक कि खतरा इसके सिर पर ना आ जाए, और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है इस क्लिप में, जहां ये हर रात इस कीचड़ में मछली पकड़ने आता था, पर इस बार ये दिन में ही चला आया था जिस वक्त कीचड़ में हिप्पो मौजूद था, और हिप्पो के एग्रेसिव होने पर इसे यहाँ से भी भागना पड़ा। वेल, अब एक नज़र इस क्लिप पर भी मार लीजिए, जहाँ इस फील्ड में घास चरती गाय पर ये तेंदुआ अटैक कर देता है, पर खुशकिस्मती कि यहाँ इसके साथी आसपास ही थे जो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और तेंदुए को यहाँ से भागना पड़ता है। अब अगर हम बात गोरिल्ला वर्सेस लियोपर्ड की करें तो मैं बताना चाहूंगा कि गोरिल्ला रेन फॉरेस्ट का सबसे ताकतवर जानवर होता है, और जब बात इनके शारीरिक ताकत की आती है तो इनके आगे चिंपांजीज भी फेल हैं। इनके जबड़ों की ताकत भी 1350 PSI होती है, जो कि शेर और टाइगर से भी अधिक है। तो वैसे तो इनकी कोई भी लड़ाई अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अगर इनकी लड़ाई होती है तो इनके शारीरिक ताकत और बुद्धिमत्ता के दम पर वो लड़ाई कुछ इस एनिमेशन की ही तरह होगी, जिसमें कि गोरिल्ला के मुक्के से तेंदुए की रीढ़ की हड्डी का टूटना तय होगा। अब एक क्लिप यह भी देख लीजिए, जहां इस लियोपर्ड को प्यास लगी थी और ये यहां पानी पीना चाह रहा था, पर यहीं एक मगरमच्छ भी था जो कि अपने शिकार की दावत कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कि उसके पास उसका पेट भरने के लिए एक जानवर था, फिर भी ये इस तेंदुए पर हमला किए जा रहा था, जिससे डर कर तेंदुआ कुछ पल के लिए दूर जाकर बैठ जाता है, फिर कुछ देर बाद ये दोबारा आगे बढ़ता है, पर मगर मच्छ तो जैसे पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, जिस वजह से लियोपर्ड को ही हार मानकर पीछे हटना पड़ता है। अब एक क्लिप आप नाइट की देखिए, जहां इस जंगल में ये तेंदुआ रात में शिकार पर निकलता है और इम्पाला को देख यहां बिल्कुल खामोशी से खड़ा हो जाता है। हालांकि इस इम्पाला को भी कुछ भनक लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यही आगे बढ़ता है और शिकार भी इसी का होता है। ये जैसे ही ऊपर से छलांग लगाकर गुजरता है, आगे जाने पर तेंदुआ इसे झपट लेता है और इस तरह से ये मारा जाता है। पर देखा जाए तो शिकार तो ये तेंदुए का था, पर जब यही हाइना आता है तो तेंदुआ दुम दबाकर भागता है। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।